बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं होस्ट मोहम्मद अबूज़र। और आप कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों आज जो मैं आपको एक ऐप्स बताने जा रहा हूं, बहुत ही यूज़फुल ऐप्स है। और मैं जब आपको ऐप्स के बारे में बताता हूं तो कोशिश होती है कि आप लोग उससे कुछ ना कोई इस्तफादा भी हासिल कर सकें। तो दोस्तों आमतौर पर देखने में आया है कि एंड्रॉयड सेट रखने वाले दोस्त जब व्हाट्सएप, इमो, मैसेंजर, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कोई भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनमें एक ख़ास मसला हमारे दोस्तों को देखने में आया है कि जब वो किसी को एसएमएस करते हैं या ख़ासतौर पर फेसबुक पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो जब वो गैर मुल्की लड़कियों के या किसी भी हजरात के वो मैसेज या एसएमएस आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं या उनकी कोई पिक्चर होती है या उनकी कोई बर्थडे होती है तो हमारे भाई जस्ट उनको लाइक कर देते हैं। जब उनकी तरफ से कोई थैंक्स आता है तो ये कुछ और कह भी नहीं सकते क्योंकि इनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज कन्वे नहीं कर पाते। तो दोस्तों आप मेरी इस बात से बिल्कुल मुतफिक होंगे कि हमारा ये मसला होता है कि हम दूसरों की ज़ुबान को सही तौर पर नहीं समझ सकते। ख़ासतौर पर जब इंग्लिश आती है तो हम थोड़ा बहुत उनको नाइस अगैरह वगैरह, वेल डन, ये लफ्ज़ लिख कर कुछ ना कुछ तो कन्वे कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आमतौर पर कार्टून से या स्टिकर से गुजारा चलाते हैं कि हम आपको लाइक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आज जो आप मेरी ये ऐप्स देखेंगे, आप लोग कोई भी आपको कमेंट करे या किसी चीज़ का आप मकसद देखना चाहें, मतलब देखना चाहें कि इसने क्या कमेंट लिखा है, क्या नहीं किया, आप फौरी तौर पर समझ जाएंगे। तो इसको समझने के लिए हमारी वीडियो शुरू से आखिर तक देखें क्योंकि आज जो मैं आपको ऐप्स बताने जा रहा हूँ, आप लोग किसी भी दुनिया के आदमी से जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, इमो करते हैं तो उसकी ज़ुबान आप इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब आप अपनी ज़ुबान में मैसेज लिखेंगे लेकिन एक बटन दबाने से वो आपकी जो आपने अपनी ज़ुबान में लिखा होगा वो उस दूसरे बंदे की उसी ज़ुबान में कन्वर्ट होकर उसको मैसेज पहुँचेगा। इस तरह आप एक दूसरे से चैटिंग कर सकेंगे। और जब उसका मैसेज आएगा आपको, उसका कोई इस तरह टेक्स्ट आएगा तो आप उस टेक्स्ट को इसी मैं जो ऐप बता रहा हूँ इस ऐप्स में डाल के आप चेक कर लेंगे कि उसने मुझे क्या कहा है। हाँ दोस्तों आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलते हैं इस ऐप्स की तरफ, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको एक वैस ट्रांसलेटर की बात बताने जा रहा हूँ। आपने पहले ये ज़रूर ऐप सुनी होगी लेकिन ये जो है ये अप्रैल 2019 की एक बिल्कुल जदीद और नई ऐप्स है। इसको आपने सिंपल से डाउनलोड करना है, मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। अब आपको मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। सिंपली जाकर मैंने इसको टैग किया है। टैग करने के बाद दोस्तों इस तरह से ये इसका फीचर आ जाएगा, ये आपके सामने। आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आपने परमिशन दे देना है। जहाँ पर ऐड आ जाए तो आप उन्हें ऐड को स्किप कर देना है। अब ये मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ जी। दोस्तों ये मेरे पास एक जो ऐड आ गई है, आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐड को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब ये वाली जो आपके सामने ये आई हुई है, आप इसको क्या करना चाहते हैं, ओके करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं या बैक करना चाहते हैं, ये आप पर है। अब हमने इस पे क्या करना है, जो मैसेज करने हैं, एसएमएस करने हैं, उस पे चलते हैं। हाँ दोस्तों अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए ये मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर है, ये एड्स काफ़ी आ जाती हैं। आपने कोशिश करना है इस तरह की ऐड को आपने बैक कर देना है क्योंकि ये ऐड चलते रहते हैं। ये देखें तमाम आ गए दोस्तों। ये ऊपर वैस टेक्स्ट वाला जो है आपने उसको क्या करना है, क्लिक कर लेना है आपको। अब ऊपर आपके सामने दो निशान हैं, एक कोने पर भी लैंग्वेज है, दूसरे कोने पर भी लैंग्वेज है। पहले कोने पर फर्ज किया, ये देखें ये लाइन लगी हुई है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की। मैं इसमें अपनी ज़ुबान जो है फ़र्ज किया उर्दू में डाल देता हूँ। ये नीचे देखें ये उर्दू मैंने क्लिक कर दी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि दूसरा बंदा आपसे जो बात कर रहा है वो किस मुल्क से है, आप उसकी ज़ुबान को कन्वर्ट ले, यहाँ पर दूसरे कोने पे जो लिखी हुई है उसी ज़ुबान को आप लोगों ने टेक कर लेना है। कि ये देखें फ़र्ज किया मैं इधर देता हूँ, अगर वो इंग्लिश में है, डच में है, चाइनीज़ में है या कोई भी ज़ुबान है दुनिया की, आपने उसी ज़ुबान को आपने क्या कर देना है, टिक कर लेना है। मसलन मैं कर देता हूँ यहाँ पर, नीचे चले जाते हैं, सिंपल सी मैं ज़ुबान इंग्लिश कर देता हूँ या पोलिश है या मलेशियन है, मलेशियन में कर लेता हूँ मैं। अब आपने यहाँ पहले खाने में टच करके अपनी उर्दू में लिखना है, मसलन हाय आप कैसे हैं, या आप यूँ लिख सकते हैं आप कैसे हैं, मैं ये लिख रहा हूँ। आपको उर्दू तो लिखनी आती होगी अपनी ज़ुबान,
तो आप इसको इसी तरह से लिख दें, आप कैसे हैं। ये देखें दोस्तों, ये मैंने लिख दिया है आप कैसे हैं। अब दूसरी ज़बान जो लिखी हुई है मलयालम, आपने सिंपल सा क्या करना है, बैक करके आपने इसको, ये जो बीच वाले दो बटन नज़र आ रहे हैं इस पर जो ही टैग करेंगे वो ट्रांसलेटर का ऑप्शन आएगा। ये देखें नीचे वो ज़ुबान लिखी जा चुकी है और इसी टेक्स्ट को जो नीचे लिखा जा चुका है आप लोग उसी दोस्त को आप कैसे हैं यानी जो सेंड करेंगे वो फौरी समझ जाएगा अपनी ज़ुबान में मुझे क्या कह रहा है, तो इसी तरह वो आपको जवाब देगा और आप एक दूसरे की बात समझते रहेंगे। तो दोस्तों आमतौर पर जो गर्ल्स के SMS आते हैं आप लोगों को मुश्किल होती है उनको जवाब देना, ये ऐप्स इस्तेमाल करके आप बिल्कुल उनके साथ बातें कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद होगी, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और आजमाना भी ज़रूर है। तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।